एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानू चावड़ा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इंसोम्निया। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में कि इंसोम्निया क्या होता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इंसोम्निया के बाद में, क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होगा और क्या इसका प्रिवेंशन होगा। तो मैं आज कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को बताऊंगी। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, उस वीडियो में आपको और भी होम्योपैथिक मेडिसिन देखने को मिलेगी जो हम इंसोम्निया या नींद नहीं आने की कंडीशन में उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं यहाँ पर किसी भी डिसीज या इलनेस से रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताती हूँ। इंसोम्निया इज ए कॉमन स्लीप डिसऑर्डर जिसके अंदर पर्सन अच्छे से सो नहीं पाता है। या तो पर्सन रात में देर रात तक सो नहीं पाता है, या फिर सो गया तो मिडनाइट में उठ जाता है, चलने फिरने लग जाता है, या फिर उसकी नींद बहुत जल्दी मॉर्निंग में खुल जाती है 4-5 बजे और उसके बाद में वो बिल्कुल भी नहीं सो पाता है, जिसकी वजह से उसे दिन में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, कमजोरी लगती है, तो इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया जो है वो नॉर्मली हमारे लाइफ की क्वालिटी को भी डिस्टर्ब करता है। इंसोम्निया हमारी जो वर्क की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी डिस्टर्ब करता है, हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, हमारे मूड में चेंजेस ला देता है। इंसोम्निया हमारे एनर्जी लेवल को भी कम कर देता है। हमारी जो नींद है, जो स्लीप है हमारी, वो पर्सन टू पर्सन सब में अलग अलग होती है, लेकिन एक जो अडल्ट पर्सन है उसे नॉर्मली 6 से 8 घंटे की नींद रेगुलरली लेनी ही होती है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट या कुछ ट्रोमा हो गया है लाइफ में तो उसकी वजह से पेशेंट प्रॉपरली सो नहीं पा रहा है, तो उसको हम एक्यूट इंसोम्निया कहेंगे। एक्यूट इंसोम्निया जो होगा वो कुछ डेज के लिए होगा और जब लाइफ नॉर्मली होगी तब जाकर उसको प्रॉपरली नींद आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्रोनिक इंसोम्निया किसको बोलते हैं। क्रोनिक इंसोम्निया जो होता है वो 1 मंथ से या फिर उससे भी ज्यादा पर्सन अच्छे से नहीं सो पा रहा है और बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है पर्सन, बट उसको बहुत ज्यादा थकावट भी हो रही है, तो हम उसको क्रोनिक इंसोम्निया बोलते हैं। क्रोनिक इंसोम्निया किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती है, ऐसी मेडिसिंस होती है जिनकी वजह से भी क्रोनिक इंसोम्निया हो सकता है। सिम्टम्स की बात करते हैं। इंसोम्निया अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो हम क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हैं। पहला, जो पर्सन होते हैं उनको देर रात तक नींद नहीं आती है। अगर उन्हें नींद आ जाती है तो उनकी नींद मिडनाइट में ही उनकी नींद खुल जाएगी। उसके बाद उनकी बहुत जल्दी सुबह भी नींद खुल सकती है, 4 बजे उनकी नींद खुल जाएगी, उसके बाद उनको नींद नहीं आएगी। उन्हें लगेगा कि मुझे सो जाना चाहिए, स्लीपी भी लगेगा पर वो सो नहीं पाते हैं। उसके बाद में उन्हें दिन में रेस्टलेस होगा, एंजाइटी होगी, फटीग थकावट होगी उन्हें, और वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। फिर वो किसी चीज को याद भी रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, उनका जो अटेंशन है वो भी कम हो जाता है। अब हम कॉज की बात करते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इंसोम्निया के। फर्स्ट में तो पर्सन बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं और एक ही चीज को ओवरथिंकिंग सोचते रहते हैं तो उसकी वजह से उन्हें स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया हो सकता है। सेकेंड में जो पर्सन जिनका शेड्यूल होता है कि हमें ऐसा ऐसा वर्क करना है तो उसकी वजह से भी उन्हें स्लीपलेसनेस हो सकती है। थर्ड में पुअर हैबिट ऑफ स्लीप जिसमें पर्सन अपने लेट नाइट तक स्मार्टफोन चलाएंगे, टीवी चलाते हैं, जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो इसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और उन्हें इंसोम्निया देखने को मिल सकता है। आगे जो पर्सन बहुत ही लेट नाइट को खाना खाते हैं उनमें भी इंसोम्निया देखा जा सकता है। जिनकी एज ज्यादा है, जो 60 साल से ज्यादा के पर्सन है उनमें भी हमें कॉमनली इंसोम्निया देखने को मिलता है। और वो पर्सन जिनको कोई मेंटली एंड फिजिकली कोई इलनेस है तो उनमें भी हमें इंसोम्निया देखा जा सकता है। ऐसे पर्सन जिनकी स्लीप की साइकिल ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, वो कभी भी सो जाते हैं कभी भी उठ जाते हैं, तो उनमें भी इंसोम्निया देखने को हमें मिल सकता है। कॉफी, एल्कोहल और निकोटीन
ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती है। इसलिए लेट आफ्टरनून में और नाइट में हमें इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो हमें इनसोम्निया की शिकायत हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि अगर प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहा है कोई पर्सन तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पर्सन की जो हेल्थ है मेंटली एंड फिजिकली उस पर इसका अफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद में जो पर्सन है वो अपने वर्क पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस में पर्सन में की जो एनर्जी लेवल है वो भी उसका कम हो जाता है और उसको डे टाइम में बहुत ज्यादा स्लीपी फील होता है। क्या क्या रिस्क हो सकती है इनसोम्निया या नींद नहीं आ रही है, तो फर्स्ट में जो वुमेन्स होती है उनमें ये रिस्क होती है कि इनके जो हार्मोन लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो हार्मोन के जो लेवल्स होते हैं उनकी जो मेंसेस की जो साइकिल होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो मेनोपॉजल वुमेन्स होती है उनमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग, उनको हॉट फ्लैशेस आते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और वो नाइट में फिर सो नहीं पाती है। इसलिए जिनकी एज ज्यादा है उन पर्सन्स में देखा जाता है कि अगर उनकी स्लीप प्रॉपरली नहीं हो रही तो उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाती है फिजिकली और मेंटली। इनसोम्निया की हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम एसिटम फोस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम तब करेंगे जब हम किसी डिप्रेसिंग इवेंट से बाहर आए हैं, मतलब या तो किसी रिलेटिव की या फिर कोई क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई हो सडनली और फिर हमें नींद नहीं आ पा रही हो, इनसोम्निया हो रहा हो, तब हम एसिटम फोस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। एसिटम फोस होम्योपैथी मेडिसिन को हम 30 पोटेंसी में लेंगे। इसको हम एक दिन में 3 बार लेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद हम इसको इवनिंग में लेंगे, तो इसके हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एकोनाइट नेपेलेस। एकोनाइट नेपेलेस हम उस केस में यूज करेंगे जब पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा शॉक में, मतलब ओवर एक्साइटमेंट में चला गया हो या फिर उसको किसी चीज से बहुत ज्यादा फियर हो गया हो, उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ पा रही है, तब वहां पर हम एकोनाइट नेपेलेस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। एकोनाइट नेपेलेस को हम 200 पोटेंसी में पेशेंट को देंगे 15-15 मिनट के अंतराल में, जिससे कि जब तक उसको नींद नहीं आ जाती तब तक हम उसको ये मेडिसिन देंगे, तो इसके हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 2-2 बूंद उसको देना है हमें। नेक्स्ट जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एम्ब्राग्रेशिया। इस होम्योपैथी मेडिसिन को हम उस केस में लेंगे जब पेशेंट अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही चिंता में है, बहुत ही टेंशन में है, तब हम इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। एम्ब्राग्रेशिया होम्योपैथी मेडिसिन को हम 30 पोटेंसी में एक दिन में 3 बार लेंगे। इसको 2-2 ड्रॉप्स 2 बूंद सुबह लेंगे, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद हमें रात में लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज हम तब करेंगे जब पेशेंट को नींद नहीं आ रही है या फिर उसे नींद आ गई थी और फिर उसको रात में वो 2 बजे अचानक से उठ जाता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं रूम में थोड़ा चल लूं, वॉक कर लूं, तो उस तरीके से उसको एंजाइटी होती है, तब हम आर्सेनिक होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करेंगे। आर्सेनिक के पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी होते हैं और जो चाइल्ड जो बच्चे होते हैं वो अपने क्लोथ्स को खींचते हैं नाइट के टाइम पे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती और वो परेशान हो जाते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज हम 30 पोटेंसी में करेंगे। इससे भी हम एक दिन में 3 बार लेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद इवनिंग में, तो इसके हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा का हम मदर टिंचर यूज करेंगे। इसको हम तब यूज करेंगे जब पेशेंट को मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज्यादा स्लीपी, बहुत ज्यादा नींद आती है और नाइट में उसको नींद नहीं आती है, तो हम इसके मदर टिंचर का यूज करेंगे। इसको मदर टिंचर को यूज करने के लिए हम 1/2 कप ऑफ वाटर लेंगे, नॉर्मल वाटर हमें लेना है, उसके अंदर हम इसकी 10 ड्रॉप्स डालेंगे और उसको पी लेंगे। इसको हमें दो बार लेना है एक दिन में, मॉर्निंग में लेना है और नाइट में लेना है। नेक्स्ट जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एपीएम ग्रेव्स। इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज हम तब करेंगे जब पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, उसको बिल्कुल फ्रेश फील नहीं हो रहा है, रात में उसको 1 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, इसकी वजह से उसे दिन भर थकावट रहती है और उसको बिल्कुल फ्रेश फीलिंग नहीं आती है,
तब हम इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कम 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद उसको नाइट में लेना है, तो उसको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज हम उस केस में करेंगे जब पर्सन को रात में नींद नहीं आ रही है, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेस हो रहा है और मिड नाइट में बहुत ज्यादा उसको परेशानी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तब हम बेलाडोना होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। इस बेलाडोना होम्योपैथी मेडिसिन का यूज प्रेग्नेंट फीमेल्स भी कर सकती है जिनको नींद नहीं आ रही है और उनको एंजाइटी और रेस्टलेस हो रही है। बेलाडोना होम्योपैथी मेडिसिन का यूज हम 30 पोटेंसी में करेंगे। इसको हम एक दिन में 3 बार लेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को। नेक्स्ट जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कोफिया क्रूडा। इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज हम तब करेंगे जब पेशेंट को बहुत ज्यादा हैप्पी न्यूज सुनने के बाद नींद नहीं आ पा रही है, तब हम कोफिया क्रूडा होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए हम इसकी 30 पोटेंसी को लेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को। नेक्स्ट जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है सिमिसिफ्यूगा। इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज हम तब करेंगे जब जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी डेंटिशन का टाइम आता है, जब उनके टीथ आ रहे होते हैं और वो रात में सो नहीं पाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तब हम इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसको लेने के लिए हम इसकी 30 पोटेंसी का यूज करेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को हम इसका यूज करेंगे, तो हमको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैग्नीशियम फोस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज हम तब कर सकते हैं जब पर्सन को इनडाइजेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो इनडाइजेशन की और वो सो नहीं पा रहा है रात में, तब हम इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का यूज हम 30 पोटेंसी में करेंगे। एक दिन में हम इसे 2 बार लेंगे, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात को। लाइकोपोडियम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज हम तब करेंगे वो पर्सन जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उनके बाद उनको नींद नहीं आती बिल्कुल भी और उनका जो माइंड है वो ओवर एक्टिव रहता है, उस केस में हम लाइकोपोडियम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। इसे हम 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद हम इसके रात में लेंगे, तो हमको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। फर्स्ट में हमारा जो सोने का टाइम होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए, रेगुलर वही रूटीन फॉलो होना चाहिए, उठने का टाइम भी वही फॉलो होना चाहिए। सोने से पहले हम जहाँ पर सो रहे हैं वो एकदम वो प्लेस, वो रूम कंफर्टेबल होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, वहाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इंसोम्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हम दिन में नहीं सोएं और डे टाइम में अपना जो डेली का वर्क है वो प्रॉपरली करें, जिससे कि हमें अच्छे से रात में नींद आ सके। उसके बाद में सोने से पहले हम गर्म पानी से बाथ भी ले सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपरली अच्छे से नींद आ जाए। उसके बाद में हमें सोते टाइम पर कॉफी या फिर टी, अल्कोहल, इन सारी चीजों का यूज नहीं करना है और इनका यूज दिन में भी हमें एक नॉर्मल अमाउंट में ही करना है, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं करना है। 7 से 8 घंटे प्रॉपरली नींद लेनी है तो हमारी जो इनसोम्निया की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मली ट्रीट हो जाती है। नाइट के टाइम पर ज्यादा एक्सेसिव फूड भी नहीं खाना है और जो हमारी सोने की प्लेस है वहां पर हमें रीडिंग की कुछ बुक्स को रख लेना चाहिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे से नींद आ सके। और भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इनसोम्निया के केस में हम ले सकते हैं, उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।